हाय डियर ऑल, आज का ये वीडियो मेरे सर्जन फ्रेंड्स, सर्जन कलीग्स, जूनियर्स के लिए है। एंड दो केस के बीच में टाइम मिला है एंड माइंड वाज वेरी एक्टिव, सो आई थॉट लेट मी प्रिपेयर समथिंग फॉर माय जूनियर कलीग्स। सो अभी रिसेंटली मैं एक यंग डायनामिक सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन से मिला एंड ही टोल्ड मी समथिंग विच आई लाइक्ड वेरी मच। ही सेड कि सुजल भाई, आपने हमारे जनरेशन के सर्जन्स को काफ़ी इंस्पायर किया है। सो इट वॉज़ यू नो डेफिनेटली प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है, बट वो दिन, उस दिन मैंने सोचा और आई थॉट कि यस, इट इज़ ऑलवेज गुड इफ़ आई कैन इंस्पायर समबडी। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सर्जन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें एक चीज़ है कि आपको टू बिकम अ गुड सर्जन, यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। पेशेंट्स के प्रति सिंपथी एंड अच्छी भावना रखना और सिंपथेटिक अप्रोच रखने से आपको करियर में आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, वो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। सेकंड थिंग, स्किल्स एंड नॉलेज। जब हम पढ़ाई करके आते हैं, आइदर MS जनरल सर्जरी या तो MCH सुपर स्पेशलिटी, तो हम नॉलेज से और स्किल्स से भरे हुए होते हैं। बट वॉट इज़ लैकिंग इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज कि कौन से केस को किस तरीके से अंजाम देना, किस तरीके से हैंडल करना। तो ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करियर में आगे बढ़ोगे, आप सीखते जाओगे। सो करियर के शुरुआत के एक दो साल जो होते हैं, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस न लेना या तो सोच के लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक पेशेंट जो हमारे पास आता है बीइंग अ सर्जन, उन सबको सर्जरी की ज़रूरत है ऐसा नहीं होता है। इवन इन टुडेज प्रैक्टिस, माई 90% ऑफ द पेशेंट्स गेट वेल विथ जस्ट मेडिकेशन एंड ओनली 10% डिजर्व सर्जरी। सो पेशेंट शुड अर्न द सर्जरी। सो जो हमारे बॉस ने हमें सिखाया था, वो चीज़ इतनी सही है और इम्पॉर्टेंट है। सो अपने नॉलेज एंड स्किल्स के अलावा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप अप्लाई करिए। जो पेशेंट के साथ डिस्कशन होता है, उसमें जानिए कि वो किस चीज़ के लिए आए, उनको क्या ज़रूरत है, क्या परेशान कर रहे हैं। जब आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका भी ग्रोथ होगा। तीसरी एक चीज़ थी कि जब आप कुछ चीज़ पेशेंट को कमिट करते हो कि हाँ, इस तरीके से हम आपका इलाज करेंगे, तो उसमें यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि भाई ये मैं कर पाऊँगा। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट, यू शुड बी कमिटेड। जो आपने पेशेंट को कमिट किया है, उसको एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए पूरा काम करिए। जब वेन एवर यू आर ऑपरेटिंग, डोंट हैव एनी डाउट्स, योर डाउट्स विल स्पॉइल योर सर्जरी। सो योर माइंड शुड बी क्लियर कि मुझे इस तरीके से करना है। हाँ, देर शुड बी प्लान ए एंड प्लान बी एंड प्लान सी, बिकॉज इट्स अ सर्जरी। बट डोंट कीप एनी डाउट्स कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। आपको अगर किसी चीज़ में डाउट है या कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है, तो यू शुड गेट हेल्प फ्रॉम एनी असिस्टेंट सर्जन और एनी सीनियर पर्सन दैट यू कैन डेफिनेटली टेक। फोर्थ थिंग अबाउट रेवेन्यू ऑफ फीस, यू चार्ज योर फीस एज पर योर एक्सपर्टीज ऑन कॉम्प्लिकेटेड केस, बट हैव अ सिंपैथेटिक अप्रोच एंड कीप फ्लेक्सिबिलिटी। शुरुआत में मैं भी ऐसा था कि नहीं, मैं इसी फीस में ऑपरेट करूँगा, मैं डिस्काउंट नहीं करूँगा, या मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। बट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द बिगेस्ट एसेट इन योर लाइफ। बी फ्लेक्सिबल एंड एक्सेप्ट सर्टन सिचुएशंस। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट पुअर होते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो वो पेशेंट भी अच्छा होगा और उसका क्रेडिट आपको मिलेगा डेफिनेटली। एंड वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील विल इम्पैक्ट अ लॉट इज़ टू गो इन टू द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट। पेशेंट से आप जब बात करते हो, जो आपको कंसल्ट करने आए हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम नहीं होते हैं, 10 प्रॉब्लम होते हैं। उसको समझने की कोशिश करिए। हमारी ब्रांच में एटलीस्ट वास्कुलर सर्जरी में, यहाँ जो पेशेंट मुझे कंसल्ट करते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैनी अ टाइम्स दे क्राई। दिन में 2-3 पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत सारी तकलीफें दिमाग में चल रही होती है, वो नहीं बता सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को। यहाँ बता के हल्के हो जाते हैं एंड देन उनका बाकी का रिकवरी भी अच्छा होता है। सो लर्निंग हाउ टू डील विद पेशेंट्स एंड लर्निंग व्हाट आर देयर एक्चुअल प्रॉब्लम्स विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन योर फील्ड ऑल्सो। कुछ चीज़ें ये डिस्कस करने का मन था, इसलिए बात की। एंड अभी आई हैव गॉट अ कॉल फॉर सर्जरी, सो आई नीड टू गो इनसाइड द ओटी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, विल कीप मीटिंग।